हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक फ्लैशर सर्किट बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सर्किट है। और दोस्तों, इसे आप डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो और स्कूल कॉलेजेस के प्रोजेक्ट में भी इसे आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जिन जिन कंपोनेंट की आवश्यकता होगी वो नीचे मैंने दिखाए हुए हैं। ये 5 कंपोनेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये रेजिस्टर 3 प्रकार के रेजिस्टर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो रेजिस्टर है उसका नंबर है 47 किलो ओम, फिर हमारे पास 100 ओम का है, और फिर एक रेजिस्टर है हमारे पास 560 ओम का। ठीक है दोस्तों, 47 किलो ओम, 100 ओम और 560 ओम। फिर हमें 2 LED की ज़रूरत पड़ेगी, ये कोई भी कलर की आप ले सकते हो। उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट है इस सर्किट का वो है 555 IC, और उसके बाद हमारे पास 47 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर चाहिएगा हमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और इस सर्किट को पावर देने के लिए हमारे पास ये 3.7 वोल्ट की बैटरी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए इस सर्किट को बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप इस सर्किट के कनेक्शन आसानी से कर सके और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, ये रहा इसका डायग्राम। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैंने 555 IC बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी 2 पिन को आपस में जोड़ना पड़ेगा। एक आप ये दूसरे नंबर की पिन देख रहे हैं, तो दूसरे नंबर की पिन को हमें 6 नंबर की पिन से जोड़ना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें 4 नंबर की पिन जोड़नी पड़ेगी हमें 8 नंबर की पिन से। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 कनेक्शन हमें करने पड़ेंगे, 2 नंबर की 6 नंबर के साथ और 4 नंबर की पिन 8 नंबर के साथ। इस तरह से हम कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद हम 8 नंबर और 6 नंबर में ये रेजिस्टेंस को लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक रेजिस्टेंस, इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे। इस रेजिस्टेंस का नंबर होगा 560 ओहम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक रेजिस्टेंस हम यहाँ लगाएंगे, इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही जोड़ देंगे, दोनों की पिन 7 नंबर पे जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस का जो नंबर है वो होगा 47 किलो ओहम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम एक नंबर और 2 नंबर में हम यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्शन करेंगे। तो ये जो कैपेसिटर है इसके हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। इस तरह का सिंबल होता है कैपेसिटर का दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो इसकी प्लस वाली लैग है ये तो 2 नंबर पे लगेगी और माइनस वाली 1 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, तो ये कनेक्शन हो गए। अब हम LEDs में लगाते हैं। तो सबसे पहले आपकी ये जो 1 नंबर पिन है, इस पर 1 LED की लगेगी पिन, दूसरा फिर यहाँ पर 1 LED लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 1 LED तो हमारी लग गई। तो ये तो इसका LED का माइनस होगा और ये प्लस होगा। अब ये LED हमारी एक बची, इसको हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पर लगेगी इस नंबर पे। तो इस तरह से हम इस LED को भी लगा लेते हैं। अब दोस्तों, इस LED का ये तो प्लस पॉइंट होगा और ये यहाँ पर माइनस होगा। आप देख सकते हैं, इस वाली LED का तो ये प्लस है, लेकिन इस वाली का ये माइनस है। रीज़न ये है कि जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से, वो एक बार प्लस निकलेगा, एक बार माइनस। तो जब प्लस निकलेगा तब तो ये LED जलेगी, और जब माइनस निकलेगा तब ये LED जलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसमें पावर देते हैं। तो पावर देने के लिए हम यहाँ पर बैटरी का यूज़ करते हैं, 3.7 वोल्ट का। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम इस तरह से जोड़ देते हैं। तो प्लस हमारा ये रहेगा और माइनस हमारा ये रहेगा, 3.7 वोल्ट बैटरी। तो ये पूरा कनेक्शन है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी कनेक्शन है दोस्तों। तो चलिए इसको भी मैं लिख देता हूँ 47 UF। ये 47 UF का कैपेसिटर है 25 वोल्ट का। ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोस्तों एक हमें रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा 100 ओम का। ठीक है दोस्तों, ये हमें ज़रूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा करंट आएगा और सर्किट हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया। तो दोस्तों, इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, डायग्राम आप देख चुके हैं, अब बनाते हैं सर्किट को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है 555 IC। तो इसके हम, जैसे मैंने बोला, 6 नंबर और 2 नंबर पिन हमें शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए इसके नंबर, तो चलिए दोस्तों इसकी पिन को शॉर्ट करते हैं। तो इसकी जो लैग है आपको कुछ इस तरह से फैला देनी है। कुछ आपको इस तरह से लैग इसकी फैला लेनी है दोनों तरफ से। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमें इसे ऐसे लगा लेना है यहाँ पर दोस्तों। ये इसकी पहली पिन है, ये दूसरी पिन है। तो दूसरी और छठी पिन को हम आपस में जोड़ देंगे एक जम्पर के थ्रू। तो चलिए दोस्तों जोड़ते हैं।
तो दोस्तों आप देख चुके हैं यहाँ पर दो नंबर छः नंबर में जोड़ चुका हूँ, अब हम आठ नंबर और चार नंबर जोड़ते हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, ये हमारी आठ नंबर है, ये चार नंबर है, तो हम उल्टे करके इसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों इसमें चारों पिन इसकी जुड़ चुकी है, चलिए अब इसमें दूसरे कंपोनेंट को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला ऊपर आठ नंबर की पिन पे हमारा 660 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, तो चलिए लगाते हैं। तो दोस्तों अब इसमें 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, तो ये रहा हमारे पास 47 किलो ओम का रेजिस्टर, तो इसको भी हम लगा लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे आपने देखा यहाँ पर दोनों रजिस्टर को मैं लगा चुका हूँ, ये 47 किलो ओम का रजिस्टर है और ये 560 ओम का रजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये कनेक्शन तो हो चुके हैं, चलिए अब इसमें कैपेसिटर को लगा लेते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर भी मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ। तो दोस्तों अब इसमें एलईडी हम लगाते हैं, तो एलईडी का जो माइनस पॉइंट है वो तो एक नंबर पे लगेगा और जो प्लस पॉइंट है वो लगेगा तीन नंबर पे, तो चलिए लगाते हैं। तो फ्रेंड आपने देखा यहाँ पर सभी कनेक्शन हो चुके हैं, ये कैपेसिटर के भी एलईडी के भी कनेक्शन हो चुके हैं। तो एलईडी को दोस्तों मैंने इस प्रकार से कर दिया ताकि आपको ये जब ब्लिंकिंग हो तब आपको ये नजर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब इसमें पावर सप्लाई देते हैं सर्किट में। तो उसके लिए हमारे पास ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों, तो इसका प्लस पॉइंट तो 8 नंबर पे लगेगा और माइनस लगेगा एक नंबर पे। तो दोस्तों चलिए इसको लगाते हैं, लेकिन हमारे पास ये एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हम 8 नंबर की पिन पे लगाएंगे प्लस पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लगाते हैं। तो इसकी पिन को आप छोटा कर लीजिए थोड़ा। तो फ्रेंड हम यहाँ पर कनेक्शन कर चुके हैं, एक मैंने स्विच भी लगाया है इसमें ताकि ऑन ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सर्किट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है, तो चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। ये मैंने चालू कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें पता लगा कि हमारा सर्किट बिल्कुल ओके है और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड एक बार मैं अंधेरे में आपको दिखा दूँ कि ये किस प्रकार का हमें नज़र आता है। तो ये मैंने बल्ब को ऑफ कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं आप, तो कुछ इस प्रकार से हमारा सर्किट नज़र आता है। इसमें एलईडी आप कोई भी कलर की लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर ये सर्किट आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और शेयर भी करना अपने दोस्तों में, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए ट्यूटोरियल में अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।